अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन चाउमीन, चिकन नूडल्स। चिकन नूडल्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है नोट कर लें। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं मैंने एक पैकेट चिकन नूडल्स ले लिए हैं, एक अंडा, एक अदद बंद गोभी लेके उसको इस तरह चॉप कर लेंगे, गाजर लेके उसको जूलियन काट लेंगे, ये हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट है इसको हम अलग रख लेंगे, शिमला मिर्च जूलियन, हरी प्याज जूलियन, डार्क सोया सॉस 1 टेबल स्पून, सफ़ेद सिरका 1 टेबल स्पून, ये मशरूम लेके एक कैन मैंने मशरूम का लेके उसको चॉप कर लिया, मशरूम को इस तरह से दो हिस्सों में कर लिया है, एक कैन 1 टेबल स्पून जूलियन कटी हुई अदरक, 1/2 kg जूलियन कटी हुई चिकन, 2 टेबल स्पून चिल्ली सॉस, 1 teaspoon पिसी हुई काली मिर्च, 1 teaspoon चाइनीज़ नमक अजीनोमोटो, 1 teaspoon कैस्टर शुगर ना हो तो आप नॉर्मल जो हम शुगर यूज़ करते हैं चाय वगैरह में वो भी यूज़ कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबल स्पून टमाटो केचप, नमक हसबे ज़रूरत, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, 1/2 कप पानी। ये तमाम चीज़ें हमें आज चाहिए अपने इस डिश के लिए। अब आपने करना ये है, सबसे पहले एक बॉल ले लेंगे, उसमें ये 1/2 कप पानी 150 ml वाटर ऐड करेंगे, कैस्टर शुगर, नमक थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करनी है, 1/4 टीस्पून सोया सॉस, 1/4 टीस्पून सफ़ेद सिरका, 1/4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इतना मिक्स करना है कि आपकी शुगर जो है वो डिसॉल्व हो जाए। मिक्स करके इसमें आप अपनी चिकन ऐड कर देंगे मैरिनेशन के लिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। नाउ कीप अ साइड फॉर द 30 मिनट फॉर मैरिनेशन। इसको आप 30 मिनट के लिए एक साइड पे रख दें मैरिनेट होने के लिए। अच्छा, हमारी चिकन को मैरिनेट हुए हुए 15 मिनट हो गए। अब हमने करना ये है कि इसके अंदर से ये जो इसका पानी है ये निकाल देंगे, सिर्फ इसमें 2 टेबल स्पून पानी हम छोड़ देंगे। 2 टेबल स्पून पानी छोड़ दिया, अब इसके अंदर ये कॉर्नफ्लोर, ये अंडा ऐड कर देंगे और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करके मज़ीद 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देख सकते हैं 15 मिनट मज़ीद हो गए हैं। इसको मैंने अंडा और कॉर्नफ्लोर लगा के रखा था, इसका जो पानी जिस पानी में हमने इसको मैरिनेट किया था वो मैंने निकाल दिया, उसके बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर और अंडा ऐड किया था और इसको 15 मिनट मज़ीद मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया था। अब ये 15 मिनट हो गए इसको मैरिनेट हुए हुए। अब आपने करना है ये एक पैन लेके उसमें ऑयल ऐड करेंगे 1/2 कप और आपका जैसी ऑयल गर्म हो जाएगा, जैसे आपको ऑयल गर्म हो जाएगा ये आपने अपनी चिकन ऐड करके इसको फ्राई कर लेना। और चिकन कभी भी 5 मिनट से ज़्यादा कुक नहीं करनी, नहीं तो ये रबड़ बन जाती है, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। इसको सिर्फ और सिर्फ अभी हम 3 मिनट फ्राई करेंगे तेज़ चूल्हे पे, 75% डन करेंगे, बाकी फिर हम जब अपनी वो करेंगे उसमें करेंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं मैंने 3 से 4 मिनट अपनी चिकन को तेज़ चूल्हे पे जल्दी जल्दी इसको फ्राई कर लिया। अब इसको आप एक प्लेट में निकाल के एक साइड पे रख दें। आपने एक दूसरा बॉल लेना है, पैन लेना है, उसमें आपने तकरीबन 2 लीटर पानी डालना है, 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है पानी में,
हाफ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे। अब जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा हम अपनी मैक्रोनी डाल के बॉयल कर लेंगे। अच्छा ये देख सकते हैं पानी मेरा बॉयल हो गया, उसके अंदर मैंने अपने नूडल्स ऐड करके नूडल्स को पका लिया है, बॉयल कर लिया है। सिर्फ इसमें 1% कसर रहनी चाहिए, बाकी 99% आप इसको बॉयल कर लें। अब इसको हम, ये हो चुके हैं 99% बॉयल, अब हम इसको पानी इसका गिरा के इसके ऊपर फ़ौरन ठंडा पानी डालेंगे ताकि जुड़े नहीं आपस में। अच्छा वही वाली कढ़ाई आपने वापस ले लेनी है, उसमें ऑयल ऑलरेडी ऐड है लेकिन मैंने 2 टेबल स्पून और ऐड किया है। ये मैंने चिकन निकाल के साइड पे रख दी है। अब आपने इसमें अपनी ये जूलियन की हुई अदरक ऐड करके 1 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट फ्राई करके ये जो हमने हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट था वो, अब हम इसको 2 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे साथ। 2 मिनट फ्राई कर लिया, अब हम इसमें ये मशरूम ऐड कर देंगे और ये गाजर ऐड कर देंगे। अब इनको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई कर लेंगे चीज़ों को। 2 मिनट हमने गाजर डाल के इसको फ्राई कर लिया, तब हम इसमें बंद गोभी डाल के इसको भी 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट बंद गोभी डाल के भी हमने इसको फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च और ग्रीन प्याज ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च और आपने हरी प्याज ऐड करके सिर्फ इसको मिक्स करना है। अब हमने ये जो चिकन थी ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मज़ीद 2 मिनट कुक कर लेंगे। चिकन ऐड करके 2 मिनट कुक कर लिया, अब इसमें ये आपने स्पैगेटी मिला देनी है। चूल्हा इसका बिल्कुल मीडियम से भी कम कर दें। चिल्ली सॉस, अजीनोमोटो, काली मिर्च, सॉल्ट, सफ़ेद सिरका, सोया सॉस, केचप, ये मिला के अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। तमाम मसाले डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब इसको सिर्फ 2 मिनट का दम दे दें। ये देख सकते हैं हमने इसको 2 मिनट दम दे दिया था। चिकन चाउमीन, चिकन नूडल्स हमारे बिल्कुल तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।